हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। लक्ष्मी ब्लॉगर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज है 30 अक्टूबर 2021 और सुबह का मेरा सारा काम हो गया है। सैटरडे है आज, तो सुबह मेरा झाड़ू पोछा मतलब जो भी है काम काफी कुछ हो गया है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा और सफाई कर रही हूँ, और मैं यहीं से सफाई कर रही हूँ बेडरूम से, क्योंकि थोड़ा सा मैंने सोचा कि मैंने जाले तो नहीं लगे हैं, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा जाले जुले मैं यदि हैं तो उनको मैं वो कर दूंगी, निकाल दूंगी। तो मैं वो यहीं से शुरू कर रही हूँ। यदि आपको मेरी वीडियो थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आप लोगों के पास पहुंच जाए। तो अभी मतलब सुबह का नाश्ता हो गया, सब कुछ हो गया, लेकिन फिर मैंने कहा मतलब हस्बैंड की आज छुट्टी होती है, वो अभी कहीं जा रखे हैं मतलब मार्केट जा रखे, तो मैंने सोचा इस कमरे से मैं कर लेती हूँ सफाई। तो उनके आने से पहले मैं ये कमरा ठीक ठाक कर दूंगी, और सुबह एक बार सफाई हो गई दोबारा से मैं सफाई कर रही हूँ। तो चलो चलते हैं, लगते हैं अपने काम पे। तो यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ। यहाँ पे मतलब जाले जुले तो नहीं है, लगी रहती हूँ मैं कभी मतलब कभी भी मैं त्योहारी का इंतजार नहीं करती हूँ। कभी भी हर कोई गृहिणी हर कोई अपने घर को साफ सुथरा रखती है जितना उसके बस के होता है। तो ये फैन भी हमने कुछ दिन पहले साफ किया था, तो ज्यादा मतलब गंदा कुछ नहीं है। और ये वाला मेरा झाड़ू, इसी से मैं जाले निकालती हूँ, इसको मैं अलग ही रखती हूँ। और जो मतलब हम हमेशा फर्श पे झाड़ू लगाते हैं उसको मैं अलग रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने कहा कि अभी मेरे को चादर भी बदलनी है सभी कमरों की, तो मैंने सोचा चादर बदलने से पहले मैं थोड़ा बहुत जो भी यदि ऊपर जाले हों और लगी जाते हैं जाले जुले मतलब क्या कहते हैं कि ये बरसात के बाद सफाई करनी बहुत जरूरी हो जाती है घर की, क्योंकि मतलब एक बहाना हो जाता है कि त्योहार है, लेकिन हमारा इस बार मतलब हमने दीपावली नहीं मनानी है। तो लेकिन सफाई तो कर सकते हैं, सफाई करने के लिए किसी के लिए कुछ भी मना नहीं होता है। तो यहाँ पे मैंने सोचा बहाना भी है, और यहाँ पे थोड़ा बहुत होता है मतलब बरसात के बाद पूरे घर की सफाई करो तो अच्छा लगता है। तो मैं वही कर रही हूँ, यहाँ पे झाड़ रही हूँ मैं थोड़ा बहुत। मैंने कहा जो भी होगा वो झाड़ लेती हूँ, होगा तो ठीक है, नहीं भी होगा तब भी थोड़ा झाड़ू फहरा लेती हूँ। और ये वाला झाड़ू मैं स्पेशल झाड़ने के लिए ही रखती हूँ, जो फर्श पे लगाते हैं उसको मैं अलग से रखती हूँ। तो यहाँ पे इस साइड थोड़ा दूर है तो मैं उधर को कुर्सी लगा के करूंगी। तो जहां ज्यादा मेरा हाथ जा रहा है, और ये देखो मतलब कि आप सफाई करते भी रहो फिर भी कुछ ना कुछ डस्ट गिर ही जाता है। और जबकि मैंने कुछ दिन पहले घर जाने से पहले भी पूरा साफ किया था, तो देखो इतना डस्ट फिर भी गिर गया, व्हाइट चादर में दिखता है। और यहाँ पे जब मैंने ऊपर से झाड़ा था तो थोड़ा बहुत डस्ट गिर ही जाता है, चाहे कितनी भी सफाई करते रहो तो कभी ना कभी मतलब जैसे हम फिर से झाड़ा झपोड़ा करेंगे तो कुछ ना कुछ गिर ही जाता है। और यहाँ पे मतलब इस सिराने में भी उसमें भी मैं इनको सब झाड़ झूड़ के और दोबारा से लगा दूंगी। तो मैं यहाँ पे एक कर देती हूँ ना, बिछोती हूँ उसके लिए रिमोट और मोबाइल रखते हैं, जैसे रात को हम सोने से पहले मोबाइल हाथ में होता तो रखते हैं अपने सिराने पे ही। तो उसके लिए मैं कुछ मतलब एक तौलिया है मेरा छोटा सा, उसको बिछो देती हूँ, और एक कॉटन है उसको रख देती हूँ मैं। तो उसके बाद जो भी डस्ट इसमें गिरा है मैं वो सब झाड़ दूंगी। उसके बाद मुझे चादर निकालनी है, और कल संडे को लगाऊंगी मैं मशीन लगाऊंगी वॉशिंग मशीन। तो सारे कमरे की चादर पर्दे भी हैं मेरे धोने हो रखे, बहुत दिनों से नहीं धोए, तो ये सब चीज़ें धो के धोऊंगी मैं संडे को। तो अभी मैं यहाँ पे उनको समेट दूंगी, चादर भी निकाल रही हूँ मैं अभी।
और ये सारी चादरें तीनों कमरों की चादर हो गई तो सारे इकट्ठा कर दूंगी और कल के लिए। उसके बाद जो चादर मैंने इसमें बिछाई थी वो निकाल दी थी, दूसरी वाली लगाऊंगी अभी। और वैसे तो जो मैंने ऊपर से झाड़ा था वो सब चादर के ऊपर गिर गया था, वो मैंने बाहर झाड़ दिया, लेकिन फिर भी होता है ना हम लोगों को थोड़ा कि अच्छे से साफ कर देंगे। और यहाँ पे मेरा ये अब मैं चादर लगा दूंगी तो थोड़ा बहुत ठीक ठाक करके, और अब चादर बिछो दूंगी मैं इसमें, और ये वाली बिछाऊंगी मैं। तो न्यू चादर तो नहीं बिछाई मैंने, न्यू चादर ये मैं आजकल मतलब नहीं बिछा रही हूँ मैं। ये भी न्यू अच्छी है, अच्छी वाली चादर है, तो इसको मैं इसमें बिछो दूंगी। और यहाँ पे मैंने मतलब चादर बिछो दी है, दूसरी वाली बिछोई मैंने ये, और आप भी देख रहे होंगे मैंने दूसरी वाली चादर बिछो दी। और इसके बाद मेरे और भी कमरे हैं झाड़ने के लिए, लेकिन वो मैं कल करूँगी, कल मॉर्निंग में करूँगी वहाँ से। और यहाँ ये वाला कमरा मेरा आज साफ हो, मतलब अभी मैंने नीचे झाड़ू लगाना है और उसके बाद मैं पोछा भी मार दूँगी इसमें दोबारा से। सुबह तो मैंने मेरा सारा काम हो गया था सुबह, लेकिन मैंने सोचा एक एक करके मैं दोबारा से अच्छे से यहाँ पे साफ कर दूँगी। और उसके बाद मेरा मतलब धीरे धीरे ही होता है ना हर काम, तो धीरे धीरे करके सारे घर को अच्छे से क्लीन कर दूँगी। और अच्छा लगता है यदि हम सफाई करते हैं तो घर बहुत अच्छा लगता है, घर में मतलब रहने का मन करता है कि यहाँ पे रहें। तो यहाँ पे ये चादर मेरी बिछ गई है, और दोस्तों ये वाली वीडियो मेरी संडे मॉर्निंग की है। यहाँ पे मैंने वो सैटरडे दिन की थी, सुबह का काम करने के बाद मैंने वो वाला मतलब बेडरूम साफ किया था, और ये मेरी संडे मॉर्निंग की है। ये दूसरा वाला कमरा है मेरा, आप लोगों को पता है ही कि मैंने पहले भी शेयर कर रखा है ये वाला कमरा। तो ये वाला मेरा दूसरा वाला कमरा है, और यहाँ पे मैं सफाई कर रही हूँ, तो यहाँ पे भी मैं थोड़ा बहुत मतलब झाड़ रही हूँ। वैसे मेरा कमरा ज़्यादा गंदे नहीं हो रखे हैं, पर फिर भी मैं झाड़ रही हूँ यहाँ पे। तो ये मैंने मोर पंखी लगाई थी, लाई थी मैं मार्केट से, तो मोर पंखी पे भी धूल जम जाती है, तो उसको मैं साफ कर रही हूँ। तो यहाँ से आगे मैं थोड़ा म्यूजिक लगाऊंगी, तो आप लोग बने रहना। ऊपर से ये निकाल दूंगी मैं, धोनी है मुझे आज संडे को, तो आज है 31 अक्टूबर 2021, और ये संडे का दिन है, ये दूसरे दिन का है। और ये है मेरा बरामदा बाहर वाला कमरा, तो मैं इसको भी झाड़ दूंगी। मैंने आज सफाई की ही सफाई का अभियान खोल रखा, तो मैंने सोचा आज मैं ये झाड़ना ही पूरा कर देती हूँ, सभी कमरों में सभी जगह पूरे घर में, तब मेरा एक साइड का काम हो जाएगा। तो मैंने झाड़ना पहले शुरू किया, उसके बाद मैं पर्दे धोऊंगी बाद में, तो सभी जगह मतलब जैसे मतलब कि ऊपर से जैसे झाड़ो तो कुछ डस्ट गिर जाता है पर्दों में वगैरह, तो पर्दे मैं बाद में धोऊंगी, पहले ये सारा झाड़ा पोछा कर दूंगी। तो यहाँ पे मेरा झाड़ा पोछा हो रहा है, और मैंने हाथ में ये कपड़ा लिया था छोटा सा,
तो मैंने कहा इसको नीचे उतारूंगी तो फिर से दोबारा ना क्या होता है कि कील नहीं आती है इन दीवारों में। बड़े मुश्किल से मैंने ये कील डाली है, तो जैसे मतलब कि हम जो फोटो वगैरह हैं उनको साफ करके फिर मैं वहीं लगा देती हूँ। बड़े मुश्किल से डाला था मैंने, जब इस कमरे में आए हम तो बहुत मुश्किल हो जाता है ना कील डालना, तो उनको वहीं पे पोंछ दूंगी और यहाँ का काम भी मेरा आज हो जाएगा। उसके बाद मेरा पोछा लगाने का होगा, झाड़ू लगाने का होगा, तब पोछा लगाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने तस्वीर उतार के फिर दोबारा लगा दी। ये मेरे हस्बैंड की तस्वीर है, फोटो तस्वीर कुछ भी बोले। यहाँ पे मैं पोछा लगा रही थी और लाइट चली गई थी। पहले मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊं कि ना बनाऊं, क्योंकि वीडियो अच्छे से बनेगी मतलब दिखेगी नहीं। पर लेकिन मैंने जब पूरे घर के पर्दे वगैरह खोल दिए, दरवाजे के भी और खिड़की के भी, तो मतलब दिख रहा है उसमें कैमरे में, तो मैंने तब वीडियो बना दी। और यहाँ पे मैंने सब मतलब वो कर दिया था, पूरे घर का मतलब ऊपर से मैंने जाले जुले झाड़ दिए थे और झाड़ू भी लगा दिया था। तो झाड़ू लगाते समय भी लाइट चली गई थी, लेकिन मैं वो वीडियो नहीं बनाई। मैंने सोचा नहीं दिखेगा, लेकिन अभी मैंने जब पर्दे वगैरह सारे खोल के और तब मैंने देखा, तो मैंने कहा कैमरे में मैंने कहा दिख रहा है तो मैं बना ही लेती हूँ। तो यहाँ पे ये सारी जो भी रोशनी आ रही है बाहर से आ रही है। तो दोस्तों आज की वीडियो मेरी यहीं तक की होगी। अभी मैंने पर्दे भी धोने हैं, तो आपको आज मेरी वीडियो यहीं पे होगी। लाइट नहीं है तो बाकी वीडियो मैं आगे शूट नहीं कर पाऊंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक न्यू वीडियो के साथ। बाय दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर न्यू आए हो तो सब्सक्राइब करना, बेल घंटी प्रेस करना ताकि मेरी हर वीडियो आपके पास पहुंच जाए। बाय।